मेरा यहाँ पर सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। हेलो भैया, आपका नाम क्या है? तो मेरे मैं भी जो फॉल्स गया था, नाम भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है फॉल्स के, यहाँ पर सब जगह के नाम भी बहुत डिफिकल्ट है। तो वहाँ पर 10 मिनट का मैंने ट्रैकिंग किया था, बहुत ज़्यादा थक गया वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ था। अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ नौकरी का बस, तो वहाँ का एक्सपीरियंस तो वहाँ छोटे सारे ड्राइफर्स लेते हैं। देखिए फॉल्स की तरफ जाने का रास्ता है, मैं नौकाली का फॉल्स जा रहा हूँ और रास्ते में आप देख रहे हो मेरा यहाँ पर सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर। रास्ते में एक व्यू है, आप देख सकते हो थोड़ा क्या व्यू है। आई थिंक 1-2 किलोमीटर अभी यहाँ से मैं तो होकर ही जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस यहाँ पर, मुझे तो पूरी शांत जगह है। आई थिंक मैं पहुँचने वाला हूँ नौखाले के फॉल्स। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ गाइस क्योंकि मेरा पैशन है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मतलब ऐसे ही वॉक करके या फिर ऐसे घूमने का। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर पूरा साइलेंट हो, यहाँ पर पूरा का पूरा साइलेंट है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर बहुत ही मिलेगा आपको रास्ते में। तो भी ये नौखाले का फॉल्स का एंट्री गेट है, जहाँ फॉल्स का एंट्री गेट है, और यहाँ से आपको टिकट लेना है। हेलो भैया, आपका नाम क्या है? डन मर्फी नंबर। ओके, और यहाँ का एंट्री फीस कितना है? 50 पर पर्सन है यहाँ का एंट्री फीस। आप भी यहाँ पर आ सकते हो और अभी मैं अंदर जाके आपको दिखा दूँ। ओके, तो वीडियो में आपको दिखा दूँ कैसा है। नौखाले के फॉल्स पहुँच गए हो और मेरे पीछे आप नौखाले के फॉल्स देख रहे हो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, आप भी यहाँ पर आओ और विजिट करो। अभी फिलहाल यहाँ पर इतना पानी नहीं है तो इतना नहीं, बट जब पानी होता है ना तब यहाँ पर आओ तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यस, मयंक गोहल। धीरे धीरे यहाँ पर यात्रा करें। अभी मैं लंच के लिए थोड़ा रेस्टोरेंट में आ गया हूँ कुछ खाने के लिए, यहाँ पर ही लंच करूँगा और साथ में पैकिंग भी कर लूँगा रात का, क्योंकि रात में फिर मुझे मिलेगा नहीं, साथ में पैकिंग होगा तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे। रेस्टोरेंट के अंदर ही यहाँ पर बैठे बैठे आप। हेलो गाइस, तो मुझे नौखाले के फॉल्स से एक भैया ने लिफ्ट दी थी यहाँ तक हाईवे तक।